Assalamu alaikum, dear students, welcome to science session. So today we are starting with a new chapter, that's water, chapter number 16 from class 7th. Water means pani. Water is a precious resource. Okay students, pani jo hai wo ek keemti cheez hai hamare liye. All live organisms depend directly or indirectly on water. हर एक जानदार चीज directly भी और indirectly भी पानी पे dependent होती है. Water is life, पानी जिंदगी है. One cannot live without water. कोई भी पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकता. Besides drinking, bathing and washing, water is used for many other purposes. जो पानी पीने के अलावा नहाने के और धोने के अलावा भी पानी बहुत सारे काम मतलब चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सारे कामों में इस्तेमाल किया जाता है. इट इज़ यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस, मकान बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है पानी, इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में एंड मिल्स में. ये सब चीज़ें जो हैं कैन नॉट रन विदाउट वाटर, ये पानी के बगैर नहीं चलती. दे रिक्वायर प्लेंटी ऑफ वाटर, इन्हें बहुत ज़्यादा पानी चाहिए. Growth and development of plants can never be imagined without water. जो पौधे हैं उनकी नशोनुमा का सोचना भी बिल्कुल पानी के बगैर नामुमकिन है. हम ऐसा इमेजिन भी नहीं कर सकते क्योंकि ये उनके लिए एसेंशियल चीज़ है. इस तरह पानी के बगैर तो जो प्लांट्स हैं वो बढ़ ही नहीं सकते. और जब जो पौधे नहीं होंगे तो हम क्या खाएंगे, हम कहाँ से मतलब होंगे, तो हमारा फ्यूचर भी फिर नहीं आ सकता. तो अगर पौधे हैं, पानी है तो पौधे हैं तो हम हैं. ओके, तो इसी तरह जो पानी है वो एक एसेंशियल चीज़ है सबकी ज़िंदगी के लिए. अब पहला पॉइंट है वाटर एज अ नेचुरल रिसोर्स. जो पानी है वो एक नेचुरल रिसोर्स है. रिसोर्स एक जरिए को कहते हैं, नेचुरल हो गया कुदरती. वाटर इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेंस ऑफ लाइफ. पानी जो है वो अहम चीज़ है, एक अहम खुराक है जिंदगी की. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट मीडियम फॉर ऑल लाइफ प्रोसेसेस एंड एक्ट्स एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट. जिंदगी के लिए जो पानी है एक अहम चीज़ है, एक खास मकसद है इसका जिंदगी में, और ये एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहलाता है. नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ वाटर आर रेन, स्नो. जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं पानी के वो बारिश है और बर्फ है, ओशंस और दूसरी जो वाटर बॉडीज हैं जैसा कि ओशंस हैं, रिवर्स हैं, लेक्स, पॉन्ड्स, स्ट्रीम्स, स्प्रिंग्स, वेल्स, मतलब समंदर, दरिया, झीलें, तालाब, नहरें और चश्मे, कुएं, ये सब मतलब वाटर रिसोर्सेज हैं. ओके, द सरफेस एंड ग्राउंड वाटर अवेलेबल टू अस कम्स फ्रॉम रेन एंड स्नो. जो जमीन से हमें पानी मिलता है वो कहाँ से आता है, बारिश और बर्फ से. विच आर ए पार्ट ऑफ वाटर साइकिल, जो कि वाटर साइकिल का एक हिस्सा है. वेन एवर द वाटर साइकिल इन नेचर इज डिसरप्टेड, द इकोलॉजिकल बैलेंस इन नेचर इज डिस्टर्बड. अगर पानी जो वाटर साइकिल है उसमें कुछ भी फेर फर्क लग जाता है तो पूरा बैलेंस जो है नेचर का वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है, दरहम बरहम हो जाता है. अब है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर फॉर सस्टेनिंग लाइफ. जो हमारी जिंदगी है, जिंदगी में इसकी क्या खासियत है पानी की. डियर स्टूडेंट्स, एवरी प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग नीड्स वाटर टू स्टे अलाइव, बट ह्यूमन बीइंग्स डिपेंड ऑन वाटर मोर देन जस्ट टू स्टे अलाइव. तो डियर स्टूडेंट्स, जो हर एक प्लांट जो है, पौधा है, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, इनको जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है. बट ह्यूमन बीइंग्स डिपेंड ऑन वाटर मोर देन जस्ट टू स्टे अलाइव. तो लेकिन जो इंसान हैं उन्हें पानी की ज्यादा जरूरत पड़ती है, बाकी चीज़ों मतलब जानवरों से भी और प्लांट से भी ज्यादा जरूरत इंसानों को पड़ती है. उनको कदम कदम पे पानी चाहिए. जैसा कि वाटर इन लिविंग थिंग्स, अब हम देखेंगे वाटर इन लिविंग थिंग्स, जानदार चीज़ों को किस तरह पानी की जरूरत पड़ती है. एवरी ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट्स मोस्टली ऑफ वाटर. हर एक जानदार चीज़ जो है, हर एक ऑर्गेनिज्म जो है उसमें ज़्यादा पानी होता है. ए पर्सन कैन लिव विदाउट फूड फॉर मोर देन टू
months but cannot live without water for long time. एक इंसान गुज़ा के बगैर दो महीने तक भी जिंदा रह सकता है, लेकिन वो पानी के बगैर कुछ ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता. ओके, सही बात है ना बच्चों? इफ द बॉडी लूजेज मोर देन 20% ऑफ इट्स नॉर्मल वाटर कंटेंट, अ पर्सन विल डाई पेनफुली. अगर इंसान की बॉडी के अंदर से 20% पानी कम हो जाएगा तो वो मतलब उसकी मौत हो जाएगी, वो पेनफुली डाई हो जाएगा. ह्यूमन बीइंग्स मस्ट टेक इन अबाउट 2.4 लीटर्स ऑफ वाटर ए डे. एक ह्यूमन बीइंग जो है वो तकरीबन 2.4 लीटर्स उसको दिन में पानी लेना है, दिन में पानी उसकी बॉडी के अंदर जाना चाहिए. वाटर हैज़ प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूडिटी एंड सॉलिबिलिटी. पानी के अंदर दो प्रॉपर्टीज हैं, जैसा कि फ्लूडिटी भी है और सॉलिबिलिटी भी है. और ये प्रॉपर्टीज जो हैं, दीज प्रॉपर्टीज मेक इट यूजफुल इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, ब्लड सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन. और ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये फायदेमंद है, ये उसे कौन से प्रोसेस में मदद करती है, मतलब फायदा पहुंचाती है, जैसा कि डाइजेशन होती है जो वो ब्लड सर्कुलेशन है और एक्सक्रीशन है, इनमें ये बहुत ही यूजफुल हैं. अब है सेकेंड पॉइंट, वाटर इन होम. होम में किस तरह पानी इस्तेमाल होता है. इन होम्स वी रिक्वायर वाटर फॉर क्लीनिंग. हमें घरों में सफाई के लिए पानी चाहिए, पकाने के लिए पानी चाहिए, कुकिंग के लिए, बाथिंग वगैरह नहाने के लिए, एंड कैरिंग अवे वेस्ट. और गंदगी वगैरह मतलब कचरा वगैरह साफ करने के लिए, हम कितना मतलब साफ सफाई करने के लिए भी हमें पानी चाहिए. तो ईच पर्सन में यूज एन एवरेज ऑफ अबाउट 260 लीटर ऑफ वाटर ए डे इन द होम. तो इंसान को, एक इंसान को तकरीबन 260 लीटर पानी चाहिए दिन में. अब है थर्ड पॉइंट, वाटर फॉर इरिगेशन. इरिगेशन के लिए हमें पानी चाहिए. जैसा कि अगर हमें टू रेज क्रॉप्स, वी नीड टू इरिगेट क्रॉप्स. हमें ज्यादा फसल बढ़ाने के लिए भी हमें क्या करना है, पानी की ज्यादा जरूरत है, यानी कि पानी सिंचाई के लिए इस्तेमाल होता है. तो जितना हम हमारे पास पानी अच्छा होगा, जितना हम फसलों को पानी अच्छा देंगे, तो हमारी जो फसलें हैं वो भी अच्छी होगी. अब है नेक्स्ट पॉइंट जो है, वाटर फॉर इंडस्ट्रीज. पानी जो है वो इंडस्ट्रीज में भी इस्तेमाल होता है, जैसा कि बड़ी बड़ी मतलब जो इंडस्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, मिल्स हैं, ये सब पानी पे ही चलती हैं. और बड़ी कुछ इंडस्ट्रीज होती हैं जहाँ पर सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह बनाए जाते हैं, तो वहाँ पर भी वो तैयार करने के लिए भी पानी इस्तेमाल किया जाता है. ओके, अब है फिफ्थ पॉइंट, वाटर फॉर पावर. पानी पावर के लिए इस्तेमाल होता है, जैसा कि वाटर इज यूज फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. तो बिजली बनाने के लिए भी पानी इस्तेमाल किया जाता है. फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स एंड हैवी मशीनरी. पानी, वाटर इज यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स एंड हैवी मशीनरी एंड फॉर वाटर रिक्रिएशन. पानी मतलब भारी सामान उधर इधर लेने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, हैवी मशीनरीज में भी इस्तेमाल होता है, और वाटर रिक्रिएशन के लिए भी इस्तेमाल होता है. जैसा कि मतलब आपने देखा होगा, पानी में ही मतलब छोटी छोटी बोट्स वो एंजॉयमेंट के लिए रखी जाती हैं, जिनमें बच्चे एंजॉयमेंट करते हैं ना, एंजॉय करते हैं, वहाँ पर भी इस्तेमाल किया जाता है पानी. ठीक है, सो सेव वाटर, वाटर विल सेव यू. तो अगर हम पानी को महफूज रखेंगे, पानी की हिफाजत करेंगे, पानी को उतना ही इस्तेमाल करेंगे जितना कि हमें चाहिए, उसको पल्यूट नहीं करेंगे, गंदा नहीं करेंगे, तो वो हमें ही फायदा पहुंचाएगा. हमारा जो बैलेंस है, इकोलॉजिकल बैलेंस, वो सही रहेगा और हमें पानी की किल्लत महसूस नहीं होगी. तो आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने पढ़ा उसमें से मैंने यहाँ पर लिखे हैं, ये आपको याद रखने हैं. जैसा कि वी ऑल इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन वाटर. ये हमने पहले भी पढ़ा कि हम सब, प्लांट्स भी एनिमल्स भी, सब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पानी पे डिपेंडेंट हैं. सेकेंड पॉइंट है, वाटर इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेंस ऑफ लाइफ. पानी एक अहम चीज है जिंदगी के लिए, एक अहम खुराक है. वाटर इज इम्पोर्टेंट मीडियम फॉर ऑल लाइफ प्रोसेसेस.
नंबर फोर है वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, नंबर फाइव है इंडिया हैज रिच वाटर बॉडीज, जैसा कि क्या क्या है यहाँ पर, दरिया है, झीलें हैं, स्ट्रीम्स हैं, पॉन्ड्स हैं, बोथ एज सरफेस एंड ग्राउंड वाटर। नंबर सिक्स है वाटर साइकिल मेंटेन्स इकोलॉजिकल बैलेंस इन नेचर। ओके, नंबर सेवन है वी मस्ट टेक 2.4 लीटर्स ऑफ वाटर डेली विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ वाटर वी ड्रिंक और अदर सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड फूड वी ईट। हम मतलब इंसान को दिन में 2.4 लीटर पानी इस्तेमाल करना है, लेना है मतलब अंदर, वो हम जो कुछ भी हम सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, पानी पीते हैं या गजा खाते हैं, वो सब उसमें 2.4 लीटर होना चाहिए। तो मतलब कि दिन का 2.4 लीटर पानी हमारे अंदर जाना चाहिए। नंबर एट है वाटर हेल्प्स टू रेगुलेट टेम्परेचर ऑफ अवर बॉडी। जो वाटर है ये हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करता है। टू रेज क्रॉप्स वी नीड टू इरिगेट क्रॉप्स। नंबर टेन है वाटर इज यूज फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स एंड हैवी मशीनरी एंड फॉर वाटर रिक्रिएशन। ओके, खुदा हाफिज़।